लगातार सक्रिय रही है। प्रतिश्रुति बक्सर की ओर से और विद्यादान इंजीनियरिंग कॉलेज की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम अपने उद्देश्यों के साथ लगातार आप सबके बीच आ रहा है और आने की कोशिश में है। उम्मीद करते हैं और कोशिश भी करेंगे कि आने वाले वर्षों में भी हम आपके साथ रहें और हम एक सार्थक बातचीत करें कुछ साहित्य संस्कृति इतिहास को लेकर के, एक सृजनात्मक माहौल बनाएं जहां हम लोग बहुत तटस्थ होकर के अपनी विरासत को, अपनी ऐतिहासिकता को और समाज के विकास की प्रक्रिया को अच्छे से रेखांकित करें और पहचान सकें। आज के इस कार्यक्रम की अगली कड़ी 12 तारीख को यानी परसों कथकौली का जो बक्सर की लड़ाई का मैदान है, कथकौली मैदान, वहां से हम लोग 9 बजे के लगभग सुबह लेखकों, बुद्धिजीवियों और आमजन का एक मार्च निकलेगा कथकौली से लेकर के किला मैदान बक्सर तक। फिर उसके बाद रामलीला मंच पर बक्सर में एक संगोष्ठी होगी, उसका भी विषय यही होगा ग्रामीण इतिहास। तो ये एक कार्यक्रमों का सिलसिला है और अच्छी बात यह है कि आप सब लोगों का सहयोग और आप सब लोगों की जो इच्छा या उत्प्रेरणा रही, पिछले साल का जो माहौल रहा वो इतना उत्साहवर्धक था कि हम लोगों ने इसे कंटिन्यू करने की सोची। लगातार हम ये संवाद बनाए रखे, ये कोशिश है आप सबके बीच। तो आज के कार्यक्रम पर मैं चाहूंगा कि ग्रामीण इतिहास पर हम लोग बातचीत करेंगे और इसके लिए, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं कुमार नयन जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपनी जगह लें। कुमार नयन, कुमार नयन जी के बारे में मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है। हम लोग बक्सर के गालिब कहते हैं, लेकिन अब गालिब नहीं है तो यही गालिब है, चाहे बक्सर के हो चाहे हिंदुस्तान के हो, यही है। इसके बाद मैं आज की इस गोष्ठी के मुख्य वक्ता श्री सुरेश कांटक जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच पर आए और अपनी जगह लें। हमारे बीच इस कार्यक्रम में, इस सभागोष्ठी में नागेंद्रनाथ ओझा जी भी मौजूद हैं जो राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं और सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक विषयों पर वो लगातार लिखते रहे हैं और सक्रिय रहे हैं, जीते भी रहे उन मुद्दों को। तो मैं नागेंद्रनाथ ओझा जी को भी आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच पर आए और हमारे बीच मंच पर जगह लें। और इस गांव के मुखिया मोहनजी उपाध्याय जी से मैं आमंत्रित करता हूँ, तुम आए और मंच पर अपनी जगह लें। मित्रों, जैसा कि अभी मैं आपसे बात कर रहा था, उसको थोड़ा मैं और खोलता हूं उस विषय को कि ग्रामीण इतिहास से क्या समझते हैं हम। जब बात करते हैं कि हम ग्रामीण इतिहास पर आज बात करने वाले हैं, तो हमने इतिहास तो सुना था, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, लेकिन ये ग्रामीण इतिहास क्या बोला है। पिछले बार हम लोगों ने लोक समाज और इतिहास पर बातचीत की थी, तो आखिर इतिहास को लेकर के इतनी चर्चाएं क्यों होने लगी हैं, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन ग्रामीण इतिहास पर जब हम बात करना चाहते हैं तो ग्रामीण इतिहास से हमारा ठीक ठीक असर क्या होता है, क्या गांव का इतिहास या जो गांव के लोग लिखते हैं इतिहास हुआ, या उनकी विरासत, उनकी स्मृतियों में जो दर्ज है इतिहास हुआ, या ग्रामीण इतिहास जिस इतिहास को हम आज तक पढ़ते लिखते रहे हैं उस इतिहास से अलग कैसे है, और अलग नहीं है तो उस इतिहास में यह ग्रामीण इतिहास ऐड क्या करने वाला है, जोड़ने वाला क्या है, नया है। तो इन तमाम मुद्दों के बीच और तमाम मुद्दों के साथ हम सब लोग एक बड़े दायरे में चाहेंगे कि हम लोग बातचीत करें और इस कार्यक्रम और इस आयोजन को लेकर के देवेंद्र चौबे जी लगातार सक्रिय रहे हैं, हमारे बीच है। मैं उनसे, उनको आमंत्रित करता हूँ कि इस पूरे संदर्भ को आप लोगों के बीच रखें और डिटेल में हम लोग बातचीत कर सके, इसकी एक भूमिका भी तैयार करें।
तो आदरणीय देवेंद्र चौबे जी जो